गुरुग्राम से है टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के बाद अलर्ट पर है जेल प्रशासन। गुरुग्राम की भोंसी जेल में जारी किया गया अलर्ट। कई बड़े गैंगस्टर्स के गुर्गों को स्पेशल सेल में रखा गया है। जेल मंत्री के आदेश के बाद जेल की सुरक्षा बढ़ाई गई है। जेल के बर्तनों में अब कैदियों को चम्मच नहीं मिलेगी। लॉरेंस बिश्नोई, कौशल गैंग समेत कई गैंग के गुर्गे जेल में बंद हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के बाद से तिहाड़ जेल का जो प्रशासन है वो अलर्ट पर है। गुरुग्राम की भोंसी जेल में भी अलर्ट जारी किया गया है। तो अलग अलग जेलों में अब ये अलर्ट जारी कर दिया गया है। कई बड़े गैंगस्टर्स के गुर्गों को स्पेशल सेल में रखा गया है। जेल मंत्री के आदेश के बाद जेल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और ये जो जेल है जिसकी हम बात कर रहे हैं, गुरुग्राम की भोंसी जेल, जहां पर जो गैंगस्टर के गुर्गे हैं उनको स्पेशल सेल में रखा गया है, यहां पर बर्तनों में अब कैदियों को चम्मच नहीं दी जाएगी। आपको बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई, कौशल गैंग समेत कई गैंग के गुर्गे इस जेल में बंद हैं। और आइए चलेंगे अपने संवाददाता नीरज अंबावता के पास। नीरज, क्या क्या आदेश जारी हुए हैं और किस तरह से जेल में परिवर्तन किया गया है, जो रोजमर्रा की चीजें हैं उनमें किस तरह से बदलाव किया गया है और उसका मकसद? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से दिल्ली की तिहाड़ जेल में जो है गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या हुई थी, उसके बाद हरियाणा की तमाम जेलों को अलर्ट पर रखा गया है। और उसमें अगर सबसे बड़ी जेल की हम बात करें और सबसे हाईटेक जेल अगर हरियाणा की है तो भोंसी है, और तकरीबन 2800 के आसपास कैदी और बंदी भोंसी की इस जेल में रहते हैं। और ऐसे में एहतियात के तौर पर इसमें क्या इंतजाम किए हैं, साथ ही साथ कौशल गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, नीरज बवाना गैंग के तमाम जो गुर्गे थे या फिर कहे कि जो उनके लोग जेल में बंद हैं उनको स्पेशल सेल में रखा गया है, की संख्या तकरीबन 25 के आसपास बताई जा रही है। इसके अलावा अब जेल में जो है तमाम जो लोग आएंगे उनकी जो है सुरक्षा भी बढ़ाई गई है, या फिर ये कहे कि जो लोग मिलने आएंगे उनकी भी पूरी तरह से तलाशी होगी, जांच होगी और उसके बाद उनको मिलने दिया जाएगा। साथ ही साथ अब बर्तनों में कैदियों को जो है चम्मच पूरी तरह से जेल में जो है बंद कर दी गई है, क्योंकि हमने अक्सर देखा था जब भी जेल के अंदर लड़ाई झगड़े होते थे तो चम्मच को जो है पत्थर से घिसकर कैदी आपस में एक नुकीला हथियार जो है कहीं ना कहीं तैयार करते थे और उसकी बदौलत लड़ाई झगड़े होते थे। तो तिहाड़ जेल जैसा हादसा गुरुग्राम की भोंसी जेल में ना हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा कैदी पूरे प्रदेश भर में गुरुग्राम की इसी भोंसी जेल में है, तो इसलिए एहतियात के तौर पर तमाम चीज़ों में जो है जेल के अंदर बदलाव किया गया है। साथ ही साथ अब बर्तनों से जो है चम्मच को भी कहीं ना कहीं कैदियों के लिए गायब कर दिया गया है। जी बिल्कुल, और ये भी कहा जा रहा है कि जो जेल की सुरक्षा व्यवस्था है उसको बढ़ा दिया गया है, तो क्या अतिरिक्त अब जो सुरक्षा बल हैं जो इस जेल का जिम्मा संभालते हैं, मतलब जो मैन पावर है उसमें बढ़ोतरी की गई है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम जो है जेल की सुरक्षा की बात करें तो बाहर से तो जेल की सुरक्षा चाक चौबंद थी, अब अंदर से भी जो है एक्स्ट्रा मैन पावर को लगाया गया है। स्पेशल जो सेल बनाई गई है उनमें जो तमाम नामी बदमाश थे या फिर गैंगस्टर के जो गुर्गे थे या फिर गैंग से जो जुड़े लोग थे, जो बड़े नामी जो बदमाश थे, उनकी संख्या 25 के आसपास बताई जा रही है। और उनको स्पेशल सेल में रखने के साथ साथ जेल की आंतरिक सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है, ताकि दिल्ली के तिहाड़ जैसा हादसा गुरुग्राम की भोंसी जेल में ना हो। क्योंकि एक आंकड़े पे हम नजर डालें तो हरियाणा की तमाम जेलों में सबसे ज्यादा अगर लड़ाई झगड़े के मामले देखने को मिले हैं तो गुरुग्राम की भोंसी की इसी जेल में देखने को मिले। नीरज, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।